सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी जनवरी में, जो वीडियो थी थार की, और कि मेरे फ्रेंड ने थार की डिलीवरी ली थी उसकी वीडियो आपके लिए बना कर डाली थी। और आज ठीक 10 महीने बाद अक्टूबर चल रहा है, आज 29 अक्टूबर, दिन है मंगलवार का, और सबसे बड़ा शुभ दिन और सबसे बड़ी बात यह है कि आज है आपका धनतेरस। और धनतेरस में हमारे से जन जुड़ा हुआ है, कार के ब्लॉग्स में डालता हूँ, कार की डिलीवरी वीडियोस, कार के रिव्यूज़ वगैरह। तो आज हम डालेंगे अपनी आने वाली कार की डिलीवरी, जो कि है, अब ये तो नहीं बताएंगे जो कि कौन सी है, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा कौन सी कार है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं डिलीवरी लेने के लिए और जल्द ही निकलने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा होगा 9:30 के आसपास, और फिर उसके बाद 9:29 हो रहा है, 9:29 हो रहा है, तो हम लोग बस 10 से 15 मिनट में निकलने वाले हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। वीडियो में बने रहिए, आपको पता लगेगा कौन सी गाड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और एक्साइटेड वीडियो होने वाली है। तो भाई गाड़ी की डिलीवरी के लिए निकल चुके हैं, और भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं, हमारे मोनू भाई ये डिलीवरी ले रहे हैं आज गाड़ी की। गाड़ी का नाम तो आपको पता चल जाएगा शोरूम चल के। तो भाई अभी मिलते हैं रास्ते में। बाहर थोड़ा कैश वैश निकालना था, बाकी ये जगह आप देख रहे हो, कमेंट में बताना कौन सी जगह है, बिल्डिंग आपको दिखा दें, समझदार समझ गए कौन सी जगह है। बस शोरूम के लिए ऑन द वे हैं हम लोग। तो भाई पहुंच गए शोरूम, लेकिन भीड़ देखो भाई साहब कितनी भयंकर भीड़, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो भाई भीड़। ये अपना शोरूम है मारुति सुजुकी अरीना, लेकिन भाई साहब वो देखो दोनों भाई आ रहे हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह देख रहे हो, जगह नहीं है, ये डिलीवरी के लिए सब लगी हुई है। सुबह 9:30 फ़ोन आ चुका है, बहुत तगड़ा भयंकर यार, मतलब भीड़ भीड़ लगी हुई है देखो। अभी तो कम है, अभी रात पूरी लग जाएगी, इतनी सारी मतलब गाड़ियाँ डिलीवर होती है धनतेरस के दिन, आप जानते हो। ये देखो डिलीवरी अंदर हो रही है, आपको दिख रही होगी, ये खड़ी है वैगनार, अब हमारी पता नहीं कौन सी हो, ये है क्या है वो आपको पता चल जाएगी, अंदर डिलीवरी के लिए चल रहा है सब कुछ। भाई यहाँ पर कॉफ़ी आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर नेक्सा कह रहा हूँ अरीना की कॉफ़ी है, पानी वानी है, और साथ में लोगों ने इस बार खाली कॉफ़ी तो नहीं, साथ में खाने के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। बाकी शोरूम देख लो भाई, सजा के रखा है यहाँ शोरूम से, सारी गाड़ियाँ इन लोगों ने हटा दी हैं, और सब जगह पर ये चेयर्स और डाल के रखी हैं, टेबल वगैरह भी आप सभी जानते हो भाई, डिलीवरी का देना तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये पूरा व्यू काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है ब्लू और वाइट कलर से, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, और कुछ खास ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन हमें जो अटेंड करने के लिए एक्सिक्यूटिव आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि आते साथ तुरंत कॉफ़ी वगैरह मंगा दी, यहाँ पर देख रहे हो बचा हुआ सिर्फ एक समोसा छोटा सा, और कॉफ़ी वगैरह मंगाई थी, बाकी वो भी कुछ अपना फाइल वर्क तो भाई ने कल शाम को ही करा दिया था मोनू भाई ने। तो भाई अब देखो, उन्होंने कहा कि अभी थोड़े बहुत जो सिग्नेचर वगैरह बाकी होंगे तो अपना कराएंगी, बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, अब लोग कितनी देर में आती हैं, और आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी डिलीवरी हम लोग लेने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये सामने देख रहे हो भाई स्विफ्ट, देख रहे हो नई वाली स्विफ्ट, सबसे बढ़िया तो मुझको ये लगा, देख रहे हो भाई माइलेज बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज 32.85 किलोमीटर पर केजी, मतलब 1 केजी सीएनजी में आपकी 32 चलेगी भाई, 32 किलोमीटर ऑलमोस्ट 33, भाई साहब इतना ज़्यादा एवरेज, बाइक बेच के जो लोग बुलेट वुलेट चला रहे थे भाई बेच के यही ले लें स्विफ्ट, काफ़ी तगड़ी भाई, 3 साल की भाई इसमें वारंटी है। अपन देख रहे हो भाई गाड़ियाँ सारी लगी हुई हैं, अर्टिगा भी आई है, ZX i ऑप्शनल वेरिएंट है जिसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर रियर वाइपर, तो आप देख ही रहे हो ZX i वेरिएंट ऑप्शनल है जिसमें CNG पड़ती है, आ चुकी है भाई, ये अपनी नहीं है फिलहाल, अपनी दूसरी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख रहे हो डिलीवरी मतलब स्टार्ट हो चुकी है। खैर अर्टिगा भी काफ़ी अच्छी लग रही है, भगवान की दया हुई तो भाई अगली गाड़ी अर्टिगा ही आएगी,
अपने पास काफ़ी बढ़िया लग रही है। अपनी वेटिंग रूम मनवाई थी, बात लगा कॉल पे भाई कब डिलीवरी होगी। यहाँ पर भाई नहीं, अर्टिगा जो खड़ी थी इसकी भी डिलीवरी हो चुकी है कम्प्लीटली। अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, वो आपको अभी दिखाएंगे जब उसकी डिलीवरी होगी। बाकी मोनू भाई अपने बारे में बात कर रहा है, गाड़ी के बारे में सारी इंस्पेक्शन है क्या नहीं, फीचर वगैरह भी होंगे। भाई साहब लगातार भीड़ बहुत तगड़ी है, देखो यहाँ पर ब्रेजा भी तैयार हो रही है। तो भाई यहाँ पे मैंने सोचा था कि भाई रेड कारपेट लगेगा और सबको दिखाएंगे, तो भाई यहाँ पे इस समय कपड़े से अनवील नहीं कर रहे हैं, जो लगता है ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है भाई, मारुति की डिज़ायर हम लोगों ने खरीदी है, VX5 CNG वेरिएंट है जो आपके सामने है, आप देख सकते हो। गाड़ी बाहर निकल रही है जो लेके आएंगे बाहर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार, ये कि हमारा जो सौभाग्य कह सकते हैं आप, बाबा की दया हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी है कि भाई बाबा की दया हमारे लिए जो इतनी जल्दी डिलीवरी मिल गई, वरना लोगों को भाई डिलीवरी लेने के लिए आज तो भाई जाने कितना वेटिंग देख रहे हो। ये जरीफ चौकी वाला शोरूम है जो मेन चौराहे पड़ता है मारुति सुजुकी अरीना का, और कम्प्लीटली मतलब इतनी भीड़ है, सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। उधर उनका स्टॉक यार्ड पड़ता है, वो काफ़ी दूर है यहाँ से थोड़ा उधर साइड। अरे भाई साहब निकाल लो गाड़ी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, लेकिन किस्मत हमारी है कितनी जल्दी हमें मिल गई, थोड़ा ही वेट करना पड़ा, कुछ खास ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1.5 घंटा लगा होगा बैठे हुए, लेकिन बहुत जल्दी मिल गई डिलीवरी के लिए। बगल में भी डिलीवरी अर्टिगा तुमने बताई थी उसकी डिलीवरी हो रही है, माला वगैरह पड़ा हुआ है सब लोग हैं, तो काफ़ी खुशी का दिन होता है धनतेरस दिन, मतलब जब ऐसी गाड़ियाँ आपके घर पर आ रही गाड़ी, तो अंदर की जो आपकी एक्साइटमेंट है ना वो अलग ही लेवल की होती है। दोनों भाई लेके आ चुका है और सबको अभी मुँह मीठा कराएंगे, कुछ मीठा हो जाए कैडबरी सेलिब्रेशन। बोलो भाई, ये शोरूम की तरफ से ही मिलता है, ये सारी जेम्स हो गई, 5 स्टार हो गई, कैडबरी डेरी मिल्क हो गई, और ताई जी हमारे लड्डू गोपाल जी को भी लेके आए थे, हमारे लड्डू गोपाल जी नई गाड़ी में बैठ के जाएंगे, कुछ मीठा हो जाए। सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी खाएंगे, ये मुंह मीठा हो गया। और ये मोनू भाई अपने, कुछ मुंह मीठा हो जाए। तो भाई मुंह मीठा हो चुका है, बस यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होंगे हम। तो अभी जाके अभी हम लोग इसके बाद सीधा मंदिर में मिलते हैं, मंदिर में सबसे पहले गाड़ी का तिलक वगैरह होगा और माला वगैरह चढ़ेगा, प्रसाद वगैरह हम लोग खाएंगे, उसके बाद फिर सीधा घर लेके जाएंगे और नारियल वगैरह हम लोग उसमें फोड़ते हैं ना। भाई गाड़ी में ताऊ जी अपने बैठ चुके हैं, पहला साल ताऊ जी मार रहे हैं। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, देख लो RPM 1500 RPM पर गाड़ी स्टार्ट होती है। आगे आगे। बस भाई रवाना हो रहे हैं घर के लिए गाड़ी लेकर के, बोल खाटू नरेश की जय। हम लोग पीछे से गाड़ी को फॉलो करेंगे, जा रहे हैं सीधा मंदिर, मंदिर में मिलते हैं, पनकी मंदिर में मिलते हैं। भाई इतनी भीड़ है देख रहे हो, पूरी रोड पे भीड़ ही भीड़ है, आप रोज भाई ड्राइव कर रहे हैं, भाई सीधा मंदिर मिलते हैं। चलो भाई फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, चलो भाई साहब सीधा मंदिर मिलते हैं मंदिर में। तो हम लोग भाई निकल चुके हैं अपन माइस्ट्रो से, मोनू भाई अपाचे से, लेकिन भाई साहब इतनी
मतलब अभी तक हम शोरूम में और गाड़ी हमारी जाने कब की जा चुकी है। इतनी भीड़ है, इतना जाम लगता है यहाँ पर, और आज धनतेरस के दिन तो सबसे ज़्यादा। अब देखो थोड़ी थोड़ी देर करके गाड़ियाँ स्टार्ट होना शुरू हुई, लेकिन बढ़ा रहे हैं। देखो अब कितनी देर लगती है। तो भाई पनकी मंदिर आ चुके हैं अपने, बस पूजा करानी है। गाड़ी अपनी आ चुकी है, देख रहो इधर से एक ये नई, उधर से एक वो नई, देख रहो नेक्स्ट वन भाई जिसकी है उसकी। वो भाई ले लें प्रसाद वगैरह और पंडित जी से बात कर लें यहाँ पे। तो भाई प्रसाद साथ ले लिया गया है और फूल माला प्रसाद वगैरह, बस पूजन का इंतजार है। गाड़ियाँ लग चुकी हैं, एक ये सामने लगी हुई, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो। भाई पूजा शुरू हो चुकी है, आप देख। तो भाई टीका लग चुका अपने भी, चार पाँच जय जय सियाराम। ये हो गई स्टार्ट। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, वो देख रहे हो आपकी खड़ी हुई स्प्लेंडर भाई, नहीं कोई निकला के लाया। पीछे एक्टिवा 125 बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डेस्टिनी 125, फ्रीडम, न्यू ऑटो रिक्शा, अभी यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, मतलब हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। वो देखो एक नई चली आ रही है, मतलब हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। पूरा मंदिर गाड़ियों से भरा हुआ है, मतलब सबकी कमाई है आज भाई, चाहे शोरूम वालों की बात हो जाए, चाहे यहाँ पर पंडित जी की बात हो जाए, चाहे यहाँ पर लगाने वाले स्टॉल्स जो प्रसाद के स्टॉल लगे हुए हैं, कमाई आज पूरे देश में इतनी तेज़ी से पैसा मतलब सर्कुलेट होता है आज, अच्छा खासा मतलब करोड़ों का भाई फ़ायदा है सबको। तो भाई मंदिर में पूजा हो चुकी है, हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। भाई चलो गाड़ी निकल चुकी है, अपन लोग भी निकलते हैं, लेट्स गो। भाई मंदिर में तो पूजा हो चुकी थी, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन घर पे आके जो मेन पूजा होती है माता जी की हाथों से। भाई ताई जी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। हाँ भाई गुड्डा, घर पे आ चुके हैं सारे भाई लोग साथ, गाड़ी पे एक हो रही है यहाँ पर घुमा फिरी। चॉकलेट खाई जा रही है, डब्बा मिला था मोनू भाई, डब्बा चुरा धर लिया है, कोई लेना पाए मोनू भाई। आप रोज भाई गाड़ी चला रहे हैं अपने यहाँ पे, तो भाई फुल मजा, काफी अच्छी तरीके से डिलीवरी हुई, सारा डिलीवरी एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा सभी लोगों का। ये था कम्प्लीट ब्लॉग अपना, गाड़ी आपने देखी डिजायर VXi CNG की, हम लोगों ने डिलीवरी ली आज, और भाई पूजा वूजा पकाया था, मतलब बाबा की सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहा। हनुमान जी की यहाँ पे हम लोगों ने टांग लिया है पूरा, मतलब जो जैसा सोचा था ना, काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी कि आज लेंगे, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं पे दिक्कत हो रही थी, कहीं फाइनेंसर नहीं मिल रहा था, कई सारी दिक्कतें हुई, लेकिन होता है ना कि अपना विश्वास पूरा हो तो भाई मतलब
सब कुछ मिल जाता है। तो वही चीज़ें बस अपना लगे रहो, मेहनत करते रहो, सबको सब कुछ सही मिलता है। भाई कंप्लीट आपने ब्लॉग देखा, पूजा वूजा कंप्लीट, तो भाई ये कंप्लीट ब्लॉग था। आखिरी में पूछ लेते हैं कि भाई खुशी कैसी मोनू भाई की, मोनू भाई बता दें आप कैसा, कितना बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, और आज बहुत ही हम खुश हुए हैं क्योंकि ये मेरी एक ख्वाहिश थी जो आज मुझे पूरी हो गई है विश, और बाबा ऐसे ही विश पूरी करते रहे मेरी, तो हम आगे चल के और भी गाड़ियाँ ले सकें। बिल्कुल भाई, यही हमारी उम्मीद है कि मोनू भाई अपना कंप्लीट अपने काम पर ध्यान दें और काफ़ी अच्छा ग्रो करें, बिजनेस बाबा की दया बनी रहे। तो इसी प्रकार भाई यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।